गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आकाश कुमार बाई प्रोफेशनल ट्रेनर ड्राइविंग स्कूल विभूतिगंज गोमती नगर लखनऊ। हेलो, आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज फिर एक नई वीडियो के जरिए और नए स्टूडेंट के साथ में, जैसे कि ये जो मेरे साथ में भैया हैं, एक स्टूडेंट मेरे जिनका आज फर्स्ट डे है, अभी इनको चलाते हुए शायद 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये ड्राइविंग कर रहे हैं, सही पथ पे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार फर्स्ट डे में कैसे चलाना होता है और किन किन चीज़ों पर पहले ध्यान देना होता है। फर्स्ट डे में क्या क्या कार चलाने पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देना होता है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप सब प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, ताकि आपको फर्स्ट डे में कोई दिक्कत ना हो चलाते समय। और आगे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमें कैसी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वैसी वीडियो बना के आपके अपने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। आइए पहले हम जान लेते हैं अपने स्टूडेंट के का क्या नाम है, ये कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं, उनकी एज क्या है। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रखर आनंद। प्रखर आनंद, गुड। आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं? मैं गुड। आज कौन सा डे है आपका? पहला दिन है, फर्स्ट डे। गुड। अभी फर्स्ट डे में आपको कैसा लग रहा है कार चलाते समय? बहुत अच्छा लग रहा भैया। फर्स्ट डे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें अभी बताई हैं? बेगी क्लच लेके गियर लेना होता है हमेशा। जी ठीक है। और 25 के ऊपर सेकंड गियर चेंज करना है। हल्का लेफ्ट करिए, हल्का सा लेफ्ट करिए, जब बस राइट रखो हल्का सा, जैसे कोई ना हटे तो आप हल्का सा राइट लेफ्ट ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया है कि जब भी कार पर बैठते हैं तो कैसे कार चलाना होता है, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको सीट कैसे एडजस्ट करना होता है। ठीक है, सीट आपको कैसे एडजस्ट करना होता है, आपको सीट कैसे एडजस्ट करना होता है, सीट बेल्ट लगाना होता है। आप जब आपका फर्स्ट डे, इसलिए मैंने आपको सीट बेल्ट मना करके रखा है कि आज आपको नहीं लगना है, क्योंकि फर्स्ट डे में लोग चलाने आते हैं तो उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है सीट बेल्ट लगा के। ठीक है, शरीर कस जाता है, इसलिए मैंने आपको मना करके रखना। कल से आपको सीट बेल्ट भी लगाना है। ठीक है। और मैंने आपको गियर बताया होगा, फर्स्ट और सेकेंड गियर कैसे लगाना होता है। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया होगा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, पैर कैसे रखते हैं, कैसे यूज करना होता है, किस समय पैर आपका एक्सीलेटर पर जाना चाहिए और किस पोजीशन में आपका राइट पैर और लेफ्ट पैर आपका होना चाहिए। यहाँ से आपको राइट जाना है, राइट का सिग्नल, तो पहले गलत किया आपने, राइट का सिग्नल मैंने आपको नीचे बता के रखा है, सॉरी कोई बात नहीं। हर एक टर्निंग पर मैंने आपको बता के रखा है कि हर एक टर्निंग पर आपको राइट वाला जो पैर है वो ब्रेक पर आ जाना चाहिए। राइट टर्न करो हल्के सा, गुड गुड, बस अब वापस सीधा करो, हल्का गया, सीधा करो मेरी साइड, सीधा करो, चलो बढ़ाओ, बस हो गया, बढ़ाओ स्पीड, गुड। ये सारी चीज़ें ध्यान देना है, और आपको ऐसे चलाना है जैसे आज आपने चलाया, बहुत अच्छा चलाया, जैसे कि आपका फर्स्ट डे है, बहुत अच्छा चला। आपकी एज क्या है अभी? 21 है, गुड, बहुत बढ़िया। 20 से 30 के बीच में जो लोग होते हैं वो लोग बहुत जल्दी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जितना आप ध्यान दोगे उतना आपको आगे चलाने में, ठीक, बाकी आप बहुत बड़ा चला रहे होगी आप। ठीक है, अभी आपको फिर से आगे लेफ्ट साइड में कार खड़ी करना, और मैंने आपको चीज़ बताया भी होगा कि आपको, जैसे कि मैं डेली आधे घंटे सिखाता हूँ, ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया होगा कि आपको आधे घंटे डेली कार चलाना है, बार बार आपको कार खड़ी करनी होगी, जैसे कि आधे घंटे में कम से कम आपको 5 से 6 बार आपको कार खड़ी करनी है। खड़ी करने में क्या होगा, बार बार आपको खड़ी करना, बार बार चलाना, बार बार गियर चेंज करना, क्लच फिर ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लगा लो, खड़ी हो गई, गियर न्यूट्रल करो, क्योंकि ये आपने फर्स्ट गियर लगा दिया। ठीक है, चलो हल्के के लिए छोड़ो, चलो चलो गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिग्नल ऑफ कर दो। अब सिग्नल आप देते हो, सिग्नल अपने आप बंद होता है, लेकिन जब बंद होता है, जब आपकी स्टेयरिंग पूरी घूमेगी और फिर वापस सीधी हो जाएगी, तो अपने आप सिग्नल बंद हो जाएगा। अगर आप पूरी स्टेयरिंग नहीं घुमाए हो तो सिग्नल आपका नहीं बंद होगा अपने आप, उसको फिर आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, गियर चलते जाइए। अभी आपका फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर लगा लो। जब भी गियर कोई सभी लगाते हैं तो राइट हैंड से स्टेयरिंग संभाल कर रखते हैं। ठीक है, जैसा आपने स्टेयरिंग पकड़ रखा है सही पोजीशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, सीधे स्ट्रेट जाना है, हल्का राइट रखे। तो आपको आधे घंटे में कम से कम 5 से 6 बार कार खड़ी करना होगा। उसमें क्या होगा कि आपको बार बार कार खड़ी करना, बार बार गियर चेंज करना, बार बार कार आपको फिर स्टार्ट करके बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपकी बार बार प्रैक्टिस होती रहेंगी।
जब भी कोई आपको अगर किसी साइड से आपको हॉर्न देना, तो ये नहीं कि आपको किसी ने राइट से हॉर्न दिया तो आप थोड़ा मतलब लेफ्ट भाग गए हैं। लेफ्ट भागने से या राइट भागने से पहले आपको मिरर में देख लेना कि हमारे लेफ्ट में तो कोई नहीं है। मालूम हो कि आप राइट में किसी को बचाने के चक्कर में आपने लेफ्ट टर्न कर दिया और लेफ्ट में नहीं ध्यान दिया, तो आपको लेफ्ट साइड में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर जैसे अगर आप एक साइड में किसी भी साइड में चला, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप राइट साइड में चला रहे हो, क्योंकि कितना भी पीछे से हॉर्न है तो हमें अपना एक साइड चलते रहना है, जिसको निकलना हो वो लेफ्ट से निकल जाएगा, ठीक है। नहीं आप राइट में चल रहे हो, आपको किसी ने पीछे से हॉर्न दिया आप लेफ्ट भाग गए, ठीक है। लेफ्ट में चला रहे हो, आपको किसी ने हॉर्न दिया तो आप राइट भाग गए, तो फिर आपका तो टाइम इसी में चला जाएगा लेफ्ट और राइट भागने में, ठीक है। तो आपको किसी भी साइड में, जिस साइड में आपको कंफर्टेबल लगे, वैसे तो जो ड्राइविंग करना हो तो राइट साइड में ही करना होता है, राइट साइड में ही करना होता है। डिवाइडर लाइन पे आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसमें आपकी एक साइड सेफ रहेगी, ठीक है। सीधे स्ट्रेट जाते रहो, गड्ढे हैं गड्ढे बचा करके हल्का राइट, छोटे गड्ढे होते हैं तो कार के बीच में निकाल लेते हैं, राइट में और लेफ्ट में एक टायर जाएगा, बीच में गड्ढा चला जाएगा। बड़ा गड्ढा है तो फिर उसको पहले से ध्यान दे करके हमें राइट लेफ्ट में अपनी कार ले लेना होता है, ठीक है। सीधे स्ट्रेट जाना। अभी आप कौन सी कार चला रहे हो आपको पता है? कौन सी कार है? मारुति है, मारुति अल्टो कार है। इसका इंजन जो होता है 800 सीसी का होता है। इसके जो लास्ट स्पीड होगी टॉप गियर पे, पांचवे गियर पे जो लास्ट रेड लाइट है, कार खड़ी करना, पूरा क्लच गियर से ब्रेक, फर्स्ट गियर नहीं लगा, फर्स्ट गियर लिया, क्लच दबा के रखना। अभी इस समय आप ब्रेक छोड़ सकते हो, क्लच दबा के रखना है, अभी रेड लाइट है, छोटी ब्रेक बस नहीं जाएगी, और रैंप बना हल्का सा ब्रेक लगाइए, लगाइए ब्रेक हल्का सा, बट अब छोड़ो ब्रेक हल्का सा, अगर जा रही हो ना आप ब्रेक का कंटिन्यू पैर रखे रहो, जब चलना हो तो पहले हल्का के क्लच छोड़ना फिर ब्रेक छोड़ देना, कार आपकी आगे बढ़ जाएगी, आपकी कार पीछे नहीं जाएगी। कभी कभी रैंप होता है ना तो आपकी कार भागती रहती राइट लेफ्ट, ठीक है। वो भी ग्रीन चलिए ट्रेल कर लगे बड़े, चलिए ग्रीन लाइट आ गई, चलिए सीधे स्ट्रेट जाना आपको, सीधे स्ट्रेट भी जा सकते हो और राइट टर्न भी कर सकते हो। किस साइड जाना आपको पहले डिसाइड करो फटाफट, किस साइड जाना, सीधे चलते चलो, आप पहले डिसाइड कर लेते हैं, चलो आप एक्सीलर छोड़ो पे क्लेच दबाओ, सेकेंड गियर लगा लो, गुड चलो, बहुत बढ़िया गुड। आगे से आपको राइट टर्न करना होगा, वहाँ पे पहुँच के पहले कभी भी किसी भी टर्निंग पे आपको जब सिग्नल देना होगा तो कम से कम आपको 100 से 50 मीटर पहले आपको हॉर्न देना पड़ेगा, कम से कम 50 मीटर तो पहले आपको हॉर्न देना ही पड़ेगा, ठीक है। हॉर्न सिग्नल सिग्नल राइट पे सिग्नल दो, हॉर्न एक दो बार दे देते हैं, हमें उस रास्ते पे नहीं दिख रहा है, कहीं पे दीवार होती है, कहीं पे कार खड़ी होती है तो उस टर्निंग पे नहीं दिखता है, तो वहाँ पे अगर आप हॉर्न दे दो ना तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको राइट टर्न करना है, गली के अंदर जाना है, ठीक है। ब्रेक पे पैर होना चाहिए, मैंने आपको बता के रखा है, चलो ठीक है। अभी ब्रेक से पैर नहीं लगा, टर्न करो पहले तो, आप टर्न कर लिए बस, सीधा करो मेरी साइड हल्का का अब ब्रेक से पैर हटा लो, बट हल्का हल्का राइट रखना, गुड सीधा करो स्टीयरिंग, राइट का सिग्नल दो, राइट जाना है, ब्रेक करके सामने आ जाइए, क्या कर रहे हो आप, आपको राइट जाना तो घबरा टर्न करो आप स्टीयरिंग अपनी, चलो बढ़ाओ बढ़ाओ हल्का हल्का एक्सीडेंट, आप घबराते क्यों इतना, फर्स्ट डे है तो ये घबराहट और ये घबराइए मत, ठीक है। हमें अपना चलना है, उनको हॉर्न दो, अगर वो नहीं हटते हैं तो आप पूरा क्लेच दबा के ब्रेक लगा लो और फर्स्ट गियर लगा लो, वो जब हट जाएंगे फिर हमें अपनी कार लेके चलना होगा, ठीक है। घर के सामने आपको लेफ्ट साइड में, जब भी कार खड़ी करते हैं लेफ्ट साइड में ही खड़ी करती है कार, ठीक है भैया।
खड़ी करने के लिए आपको बताइएगा क्या कैसे खड़ी करना, आप बता सकते हैं हमें कैसे खड़ी करना आपको? हाँ भैया, पहले ब्रेक पैर दबाना है। नहीं, पूरा क्लच दबाओ, पहले गलत किया आपने। पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, गियर न्यूट्रल, हैंड ब्रेक लगाऊँ? हैंड ब्रेक ऐसे नहीं लगाते, हैंड ब्रेक सिर्फ इसको उठाना होता है। ओके, उठा दिया, हैंड ब्रेक लग गया। हटाना जब है तो उसको हल्का सा ऊपर खींच के और स्विच दबाएंगे, फिर हट गया। लगाना है तो उसको सिर्फ ऊपर खींचेंगे। ठीक है, अब इंजन ऑफ करूँ। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया।